उबुंटू लिनक्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में मैं आपको उबुंटू लिनक्स के बारे में जितनी हो सके जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इस समय उबुंटू लिनक्स का जो नवीनतम संस्करण है वह है 11.10। उबुंटू लिनक्स यह पूरी तरह विनामूल्य सॉफ्टवेयर है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है और साथ ही इसके साथ उपयोग में लाए जाने वाले सभी सॉफ्टवेयर भी विनामूल्य उपलब्ध होते हैं। तो आपको किसी प्रकार के लाइसेंस वगैरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। इस समय इस वीडियो की जो रिकॉर्डिंग हो रही है वह एक कमांड लाइन स्क्रिप्ट से हो रही है। ये जो छोटा सा कमांड लाइन कमांड विंडो दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये रिकॉर्डिंग हो रही है। ये सिर्फ आपको यह बताने के लिए कि उबुंटू लिनक्स में कितनी अच्छी बातें अंतर्निहित हैं। यही काम अगर आप विंडो में किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा करना चाहेंगे तो आपको कोई भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, जबकि उबुंटू लिनक्स में यह आप विनामूल्य कर सकते हो। उबुंटू लिनक्स में दूसरी बड़ी सुविधा यह है कि आप लिनक्स के अंदर ही विंडोज़ भी चला सकते हो, यानी एक ही समय आप लिनक्स और विंडोज़ दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक ही डेस्कटॉप पर चला सकते हो। ये कैसे करें हम देखेंगे। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, उसका नाम है वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स ये ओरेकल द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर है। यह है ओरेकल वर्चुअल मशीन वर्चुअल बॉक्स मैनेजर। ये सॉफ्टवेयर भी विनामूल्य है और ये जब आप उबुंटू इंस्टॉल करते हो उसी समय ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर आप एक वर्चुअल इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो आप इसके अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो, जैसे विंडोज़ XP है या विंडोज़ विस्टा है या विंडोज़ 7 है, और उनमें से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी समय आप खोल के उसका प्रयोग कर सकते हो। ये कैसे करें अब हम देखेंगे। इस समय मैंने इंस्टॉलेशन तो पहले ही कर लिया है, अब मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। ये विंडोज़ XP है। अब आप देखेंगे कि इस समय विंडोज़ XP का बूट स्क्रीन आ गया। चूँकि ये फुल स्क्रीन में है इसलिए आपको अब सिर्फ विंडो ही दिखाई दे रहा है। आप इसका रिजोल्यूशन कम ज़्यादा भी कर सकते हो आप चाहो तो। ये विंडोज़ पूरी तरह से शुरू हो गया है। अब इसमें आप जिस प्रकार आप नित्य उपयोग में विंडोज़ का प्रयोग करते हो उसी प्रकार आप इसको प्रयोग कर सकते हो। तो और इसे जब चाहो आप मिनिमाइज़ करके वापस उबुंटू के स्क्रीन पे आ सकते हो। जब दोबारा आपको जाने की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ यहाँ क्लिक कर देने से दोबारा आप विंडोज़ में आ जाएंगे। तो या इसे मिनिमाइज़ करके डेस्कटॉप के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे विंडोज़ भी है और ये साथ में लिनक्स के भी प्रोग्राम्स हैं। तो इस प्रकार आप दोनों भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा लाभ उठा सकते हो। लिनक्स में ये आपके लिए सुविधा है या सुरक्षा है कि आप जब इंटरनेट का प्रयोग करते हो तो विंडोज़ में जिस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाते हैं उस प्रकार से लिनक्स के कंप्यूटर में यानी उबुंटू के कंप्यूटर में वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता। तो जब भी आपको इंटरनेट का प्रयोग करना हो तो आप उबुंटू लिनक्स के द्वारा उबुंटू लिनक्स में ब्राउज़र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर फायरफॉक्स ब्राउज़र है और क्रोमियम या गूगल का जो क्रोम वेब ब्राउज़र है, ये दो वेब ब्राउज़र हैं। साथ ही ओपेरा नाम का भी ब्राउज़र आप प्रयोग कर सकते हो। और अगर किसी कारणवश आपको किसी ऐसे प्रोग्राम का उपयोग करना हो जो सिर्फ विंडोज़ के ऊपर ही चलता हो या फिर
इंटरनेट एक्सप्लोरर ही आपको यूज़ करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही आपको उपयोग करना है। तो आप दोबारा विंडोज़ के अंदर जाके वहाँ से आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का उपयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए भी आपको उबंटू लिनक्स काफ़ी कारगर साबित होगा। तो आज हम यहीं रुकेंगे और कल के वीडियो में हम कुछ और बातें जानेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप मुझे ईमेल करके ज़रूर पूछ सकते हो। इस चैनल के प्रथम पृष्ठ पर मुझे मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि जो नए वीडियो आते हैं तो वे जैसे ही इंटरनेट पे मैं डाल दूंगा तो उसकी सूचना आपको ईमेल द्वारा मिल जाएगी।